हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और मेरे इस यूट्यूब चैनल खान फैब्रिकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है कुछ नहीं, बस एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक मेरे पास ये मशीन है जो कि इन्वर्टर मशीन है, 230 एम्पियर की है। ये पूरी तरीके से अच्छी चल रही है, लेकिन आज इसके अंदर खोल के देखते हैं कि मशीन में क्या है क्या नहीं है, कितने IGBT लगा हुआ है, कितने कैपेसिटर लगा हुआ है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको हम पूरा खोल के देखते हैं, हमारी मशीन जो है। और ये पीछे जो बटन लगा हुआ है, ये बटन जो है ऑन ऑफ का बटन है। और आगे जो है एक बटन है VRT यानी फ्लैट सपोर्ट का लगा हुआ है ये। और ये कुछ वॉल्यूम लगा हुआ है क्योंकि RAC फोर्स बढ़ाने के लिए। इसको हम लोग खोल के देखते हैं इसमें क्या है, कितनी IGBT लगी हुई है, कितने कैपेसिटर का है, और कितने कैपेसिटर की मशीन हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए इसको खोलते हैं और पहले देखते हैं इसको। और इसमें होल्डर लगने वाला, ये देखो इसमें हम लोग होल्डर लगाते हैं। ये प्लस का है निशान और ये माइनस का निशान है। और ये देखिए इसको हम लोग खोलते हैं पेचा पेच संभाल के। पेच ये डब्बे में पेच रखते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, खोलते समय जो है पेच हमेशा खो जाते हैं, तो इसके लिए पेच हम लोग ये डब्बे में रखते हैं पेच। नहीं लेनी चाहिए। तो इसको खोल के देखते हैं। पहले आगे का कवर है प्लास्टिक, ये भी इसको रख देते हैं एक साइड में नीचे, और इसके बाद और खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। और क्या बात है, देखिए हमारी मशीन इसमें पूरी प्लेट लगी हुई है। और सामने से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अंदर का इसके अंदर पार्ट लगा हुआ है। इसको हम लोग खोलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। ये सिर्फ कवर रखा हुआ है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होता है मशीन में हमारी, वो ये है। देखिए इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो देखो, दो कैपेसिटर का है। अगर आप जो है 200 एम्पियर की ले रहे हो, 220 एम्पियर की ले रहे हो, तो उसमें जो है दो कैपेसिटर लेते हैं। और आप 250 एम्पियर की ले रहे हो तो उसमें चार कैपेसिटर, और 300 एम्पियर में भी चार कैपेसिटर रहते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से मैं इस मशीन में फंसा भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अच्छी चल रही है। और इसकी IGBT देखें कितनी लगी हुई है, तो वहाँ से नहीं दिख रही, तो हम लोग यहाँ से नीचे से देखेंगे। इसमें IGBT जो मशीन ज़्यादातर चल जाती है, तो IGBT जो इसमें लगी होती है उससे जो ये देखिए आप देख रहे हैं नीचे जो दो जो पेच लगा हुआ है और दो कॉइल कसी हुई हैं, इसको बोलते हैं IGBT। जो मशीन अगर काम करना वेल्डिंग करना बंद कर देती है, तो इसका मतलब है कि वो जो IGBT देख रहे हैं वो जल गई है। तो ज़्यादा केस मशीन में ये आता है कि IGBT इसकी जल जाती है। तो दो और दो चार और दो छः IGBT लगी हुई है इसमें। बाकी पूरी प्लेट पे है। तो फ्रेंड जैसे कि बता रहे थे कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए और कौन सी मशीन नहीं लेनी चाहिए, तो मतलब इतना हमको मालूम था। पहले मैंने मशीन सुबह खरीदी थी तो थोड़ा मशीन में फंस गए, लेकिन अभी आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप भी जब भी मशीन लें, यानी RAC मशीन जो आप ले रहे हैं, अगर जो मशीन लें तो वो जनरेटर नहीं होता है, इंजन चलता है, जनरेटर सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास जनरेटर सपोर्ट मशीन नहीं है तो ऐसा क्या, अगर आप जनरेटर पर जोड़ोगे तो पहले आप इस पर
मोटर चलाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जनरेटर की स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद जैसे आप मोटर हटाओगे उसकी स्पीड उतनी रहेगी और करंट ज़्यादा दे रहा है तो हमारी मशीन चल जाती है। तो इसके लिए जब भी आप मशीन लो तो जनरेटर सपोर्ट मशीन लो। और सबसे खास बात इसमें ये है कि मैंने सोचा था इसको, मैंने खोल के देखा, मैंने खोल के तो देखा नहीं था जब लेते वक्त, तो इसमें अभी मैंने इसको खोला है तो इसमें क्या है कि जो इसमें देखिए दो कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए ये दो कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ नीचे जो IGBT होती है, जो IC लगी होती है जिसकी बदौलत चलता है, जो कभी मशीन ख़राब हो जाती है तो बोलते हैं मशीन ही ख़राब होती है, IGBT जो इसकी जो IC होती है वो उड़ जाती है। तो ये हमारी 6 IGBT IC की है और सामने से इसका ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो पावर कम करने वाला ज़्यादा करने वाला इसमें वॉल्यूम लगा हुआ है। और बाकी मशीन तो अच्छी है, पीछे की साइड में फ़ैन लगा हुआ है कि हमारी मशीन हीट हो तो मशीन ठंडी हो जाए। मशीन तो अच्छी चल रही है लेकिन अब भी आप मशीन ले तो देख के लें, सामने वाले से पूछ के लिए भाई मशीन हमारी जनरेटर सपोर्ट है कि नहीं है और कितने जो है कैपेसिटर की मशीन है। तो फिलहाल तो मेरी ये दो कैपेसिटर की मशीन आप देख रहे हैं, ये दो कैपेसिटर की है। इससे पूछ ली कि जो है मशीन हमारी कम से कम 4 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर की मशीन होनी चाहिए। तो अभी इसको हम लोग वापस बांध देते हैं और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे वाला लाल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फिलहाल तो अभी अच्छी इसको बांध देते हैं, कभी ऐसा मौका आया जिससे ख़राब हुई तो देखते हैं इसमें क्या ख़राब होता है और